सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपया भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो जी हमारे चैप्टर का नाम था ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जिसमें दो प्रकार के ग्राफ बेसिकली बनाए जाते हैं। एक को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनाया जाता है, और एक को बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, जिसमें बेसिकली हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या तो सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स को शो करते हैं। बट हमने शुरू करा था अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के ग्राफ होते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ तो आपको ऑलरेडी आता ही था कि ग्राफ में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, तो ये आपको पता ही है। तो जो पहला हमने मेन टाइप डिस्कस करा था आपके साथ वो कौन सा कर लिया था, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर 4 प्रकार के हिस्टोग्राम हमने डिस्कस करे थे, जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल होता है, तो ये आपको याद आ गया सब बच्चों को, बोलो हाँ। दूसरा जिसमें आपको मिड पॉइंट्स दे रखे होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले मिड पॉइंट से कन्वर्ट करना पड़ता है, क्लास इंटरवल निकालने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर हिस्टोग्राम बन जाता है। तीसरा हमने सीखा था कि कभी कभी अनइक्वल क्लासेस भी होती हैं, यानी कि जैसा आप नीचे देखोगे तो 10 का गैप है, फिर 20 का गैप है, या 5 का गैप है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या निकालनी पड़ती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, और फिर उसका हिस्टोग्राम मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा। तो ये भूल गए, बोलो हाँ, वेरी गुड। तो ये देखो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। और चौथी वैरायटी थी हमारी, जिसके अंदर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे देता है क्वेश्चन, तो आपको इंक्लूसिव सीरीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में, और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम बन जाते हैं। तो आगे बैठा ये बच्चा देखो बेहोश, तो तुम्हें याद आ गया ये सारी बातें। चलो तो हमने एक टाइप जो है वो कवर कर लिया था, हिस्टोग्राम। तो आज हमें नई हेडिंग डालनी है, तो आइए बच्चों जी मेरे साथ। तो नंबर 2 हेडिंग का नाम है
लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये बहुत सिंपल है, तो हम एक छोटे से एग्जांपल से सीख जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखना है एग्जांपल। तो इसमें आप लिख लो हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक टेबुलर फॉर्मेट का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हाइट लिखेंगे और उन हाइट्स को कॉरस्पॉन्ड करते हुए कितने बच्चे हैं वो लिखेंगे। तो हाइट में लिख लेते हैं हम 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। कितने बच्चों की हाइट 60 है? 90, फिर 80, फिर 120, फिर 140, फिर 132, फिर 70 और फिर 40। तो बेसिकली ये हमारा डेटा हो गया। तो अब हमें लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व देखना है कि लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आइए, तो एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? हाइट। और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाइट हमारी है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो आप बराबर बराबर मेजर करते हुए लिख सकते हैं 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 लिख लो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। तो नीचे आ गई हाइट। तो इसमें सबको किंक याद आ गया। किंक क्यों बनाया? क्योंकि जीरो के बाद 60 से शुरू कर रहे हैं, गैप है लंबा, तो वो किंक शो कर दिया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने शो करोगे? कितने हैं? 30, 60, 90, उसके बाद 120 और 150 सबसे ऊपर। तो x एक्सिस बन गया, y एक्सिस बन गया। अब क्या करना है जी? अब हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, अब आपको क्या बनानी है? लाइन। लाइन का मतलब है बस एक सीधी वर्टिकल लकीर बनानी है। और फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है पहले आप वो बिंदी मार्क कर लो और उस बिंदी से लाइन बना लो। जैसे डेमो के लिए एक देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा। तो जैसे 60 हाइट वाले कितने बच्चे हैं? 90। तो 90 के आगे मान लो हमने एक बिंदी लगा ली, तो बस आपको नीचे एक लाइन बनानी है। बन गई लाइन, ठीक है। ऐसी 61 हाइट वाले कितने बच्चे हैं? 80। तो आप 80 के आगे एक लाइन लगा लो, बिंदी लगा लो मतलब बिंदी, और उस बिंदी से एक लाइन निकाल लो, ठीक है। तो सब बच्चों को क्लियर हो गया भाई क्या करना है? आपको क्लियर हो गया सर? ठीक है। बस फिर 62 हाइट के कितने बच्चे हैं? 120। तो 120 पर बिंदी लगा के लाइन बना लो। 63 में है 140, तो 140 पर बिंदी लगा के लाइन लगा लो। 64 में है 132, तो 132 पर बिंदी कहीं लगा कर लाइन लगा लो। और 65 में है 70, तो 70 पर बिंदी लगाकर लाइन लगा लो। और 66 में है 40, तो 40 पर बिंदी लगाकर लाइन लगा। तो इन्हें बोल देते हैं हम लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब लिखना है नंबर 3, अगले का नाम है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये दो प्रकार के बन सकते हैं। तो हम दोनों की पहले हेडिंग डाल लेते हैं फिर बना के देख लेंगे। तो पहले में लिखना है नंबर वन विद हिस्टोग्राम, इसमें हिस्टोग्राम भी बनेगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसके साथ बनेगा। और दूसरा है जी विदाउट हिस्टोग्राम, तो इसमें हम हिस्टोग्राम नहीं बनाते और खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से दोनों बातें सीख जाएंगे। तो आप पहले लिखो एग्जांपल, तो इस एग्जांपल में लिखो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला। तो मार्क्स में लिख लो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70। तो कितने बच्चों के नंबर 10 से 20 आए? लिखो 5, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 22, उसके बाद 14 और उसके बाद 4। तो क्लास इंटरवल हो गया और फ्रीक्वेंसीज हो गई एक तरह से। तो पहले हम इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे क्योंकि पहले हम केस वन डिस्कस कर रहे हैं। चलो लिख लिया क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो लिखो केस वन सॉल्यूशन। तो पहले हम हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है जी। चलो तो कैसे बनाना है उस में आप सिंपल, पहले तो एक ग्राफ प्लॉट कर लो इस तरह का। एक्स एक्सिस पे बताओ क्या लिखना है, मार्क्स, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी। तो मार्क्स में तो आप लिख लो ज़ीरो तो है ही, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिख लो जी 5, 10, 15, 20, 25। तो पहले आप इतना बना लो। अब पहले हम क्या बनाएंगे जी, हिस्टोग्राम, क्योंकि विद हिस्टोग्राम का मतलब है कि पहले हिस्टोग्राम बना लें। तो हिस्टोग्राम आपने सीख ही रखा है, बिल्डिंगें बनानी है। तो पहली बिल्डिंग बताओ कितनी ऊंची बनेगी, 5। तो पहली बिल्डिंग बना लो 5 तक, फिर दूसरी बिल्डिंग 12, तो 12 तक बना लो, फिर तीसरी बिल्डिंग 15, तो 15 तक बना लो, चौथी बिल्डिंग 22, तो 22 तक बना लो, पांचवी बिल्डिंग 14, तो 14 तक बना लो। भाई सबको क्लियर है क्या हो रहा है, जो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना उतनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है। आखिरी बिल्डिंग 4, तो 4 तक बना लो। तो ये आप मेजर करके बना रहे हो या गंदा सा बना रहे हो, तो मतलब स्केलिंग प्रॉपर करके बनानी है ताकि बिल्डिंग की ऊंचाई आपकी फ्रीक्वेंसीज से मैच करे अकॉर्डिंगली। तो ये बन गए बिल्डिंगे हिस्टोग्राम। अब क्या करते हैं अगला स्टेप, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर बनाना है तो अगला स्टेप क्या है, ठीक है। तो पहले जो है जितने ना मिड पॉइंट्स हैं, जैसे 0 टू 10 के बीच में तो कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसका मिड पॉइंट मतलब मैं हरे रंग से
बीच में एक बिंदी लगा देता हूँ, तो यहाँ लगा लो आप बिंदी, 0 और 10 के बीच में एक बिंदी लग गई। तो जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन बिल्डिंगों के बिल्कुल छत पर जो बीच का सेंटर बिंदु होगा, वो बिंदु लगाते रहो। इनकी छतों पर बीचों बीच एक बिंदी लगा लीजिए, इन छतों पर, हर बिल्डिंग की छत पर ये चिड़िया बैठी है बिल्कुल सेंटर में। बाकी 70 to 80 में कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन बीच में बिंदी लगा लो। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर हो गया आपको सब बच्चों को? तो आपको हर बिल्डिंग के बीच में बिंदी लगानी है। अब अगला स्टेप, तो ये बिंदी ज्वाइन करनी है, स्केल से करनी है या हाथों से करनी है? स्केल से करनी है। ठीक है, तो स्केल से करो। तो इस बिंदी से इस बिंदी, 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 फिर इस बिंदी, फिर इस बिंदी, बस। तो सारी बिंदियां जोड़ लो। हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। तो अब ये सबका क्लियर है पहले डायग्राम? ठीक है, तो अब इधर इधर एक इंपॉर्टेंट बात ऊपर ही लिख लो, एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में जो एरिया हमने एक्सक्लूड करा इज इक्वल टू, बताओ क्या? एरिया इंक्लूडेड अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो हरे रंग की आप लाइन देख रहे हो ना, वैसे इस हरे रंग की लाइन को कहते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हरे रंग की जो लाइन है। तो अब ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है, ये आपको एक बारी में तो शायद समझ ना आए, ऐसा मैं जानता हूँ। तो ये लिखा है, एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया इंक्लूडेड अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसी डायग्राम पर कुछ कलरिंग कर लेता हूँ, तो बस आप ध्यान से सुनना। तो हिस्टोग्राम पे हमने जैसे कुछ एरिया एक्सक्लूड कर दिया, मतलब कुछ एरिया एक्सक्लूड करने का मतलब हो गया कि कुछ एरिया, मतलब जैसे हिस्टोग्राम का कवर नहीं हो पाया पॉलीगॉन के अंदर, तो उन्हें मैं पर्पल रंग कर रहा हूँ। तो पर्पल रंग को अगर आप फोकस करोगे तो ये वो है एरिया जितना हिस्टोग्राम का पॉलीगॉन के अंदर नहीं आ पाया, वो पॉलीगॉन के बाहर रह गया, एक्सक्लूड हो गया। पहले आप समझ पा रहे हो बात? तो मैं उस एरिया को पर्पल कलर कर रहा हूँ जो पॉलीगॉन में नहीं है हिस्टोग्राम का, और वो बाहर रह गया। दिख गया आपको? बोलो ना हाँ या ना बोलो, फिर या तो हाँ बोलो या ना बोलो। पर्पल कलर दिख गया सबको? तो ये वो एरिया है हिस्टोग्राम का जो पॉलीगॉन में कवर नहीं हो पाया, एक्सक्लूड हो गया, ठीक है ना? तो बताओ ये किसके बराबर होगा, ये पूरा एरिया जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर लिया, इंक्लूड हो गया, मतलब जैसे हरे रंग वाला, ये। तो भाई समझ आ गई कहानी? तो पर्पल रंग वाला और ये हरे रंग वाला एरिया जो कह रहा है बराबर होगा। तो जितना एरिया बेचारे हिस्टोग्राम का एक्सक्लूड हो गया था पॉलीगॉन के बाहर हो गया था,
उतना ही सेम एरिया पॉलीगॉन ने कुछ एक्स्ट्रा कवर भी कर लिया, तो ये बराबर होता है। तो पर्पल और हरा जो है ये बराबर होगा, ठीक है? तो समझ आ गया। तो आपको शायद एग्जाम में करवाएगा तो नहीं कि पर्पल और हरा करो, पर आपको पूछ सकता है वैसे। तो क्लियर हो गया जी कहानी। और एक और बात लिख सकते हो, एरिया अंडर हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के नीचे जितना भी एरिया है वो किसके बराबर है? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम के नीचे का एरिया भी पॉलीगॉन के नीचे के एरिया के दोनों के बराबर ही है बेसिकली। तो मतलब छोटे मोटे पॉइंट्स कई बार पूछ सकते हैं। तो खैर, बनाना सबको क्लियर आ गया? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम, क्लियर? अब अगले केस टू में क्या करना होगा बताओ हमें? हिस्टोग्राम नहीं बनाना। तो डायग्राम आपका मतलब पहले कोरा कोरा तो वही रहेगा, तो पहले कोरा कोरा डायग्राम वही बना लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लिख लो क्या था आपका? मार्क्स। और वाई एक्सिस पर आपके थे जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब बच्चे कितने? 5, 10, 15, 20, 25। हाँ जी, तो अब बताइए अब क्या करना है सर? इसमें तो हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, अब विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो? ओके, तो मैं तो सोच रहा था कि आपको नहीं पता होगी बात। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम विदाउट हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आप ये क्लास इंटरवल नहीं लिख सकते, मतलब 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 ये नहीं लिख सकते। आपको पहले क्या निकालना पड़ता है? मिड पॉइंट्स। तो मैं इसीलिए ये बात नीचे सितारा डाल के लिख देता हूँ कि मिड पॉइंट्स इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप क्लास इंटरवल लेकर विदाउट हिस्टोग्राम नहीं बना सकते फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको ये 10 टू 20, 20 टू 30 इन्हें मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये हम हटा देते हैं। तो 0 टू 10 का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है? 5। फिर 10 टू 20 का 15। फिर 20 टू 30 का मिड पॉइंट 25। फिर 30 टू 40 का 35। फिर 40 टू 50 का 50 टू 60 का 60 टू 70 का और 70 टू 80 का, ठीक है? तो देखो, अब तुम होशियार हो गए ना मेरे साथ रह के। तो अब लिखो आप भी पहले। तो इसमें हमें पहले मिड पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो अब हिस्टोग्राम तो बनाना नहीं है, अब क्या करेंगे जी? मिड पॉइंट्स भी निकल गए, अब तो अब जो ये बिंदियां ऊपर बन रही थीं, एक बार ऊपर का भी चित्र देख लो। तो आपने जहां जहां बिंदियां लगाई थी टेक्निकली, वो बिंदियां जो हैं वो एक तरह से मिड पॉइंट्स पर ही मार्क हो रही हैं टेक्निकली। तो जैसे 0 टू 10 की बीच की जो मिड पॉइंट है बिंदी, वो मतलब एक तरह से 5 है ना, तो वो बिंदी आपकी 5 पर है। इसी तरह 10 टू 20 का क्या था फ्रीक्वेंसी? 5। 20 टू 30 की क्या थी फ्रीक्वेंसी, मतलब ऊपर से देख लो? 12। फिर 30 टू 40 की 15। 40 टू 50 की 22। तो अब हमें इन मिड पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसीज वही बिंदियां लगानी पड़ेंगी, तो वो बिंदियां लगाते रहते हैं हम। तो 5 की तो 0 पर ही लगा लेते हैं, यहां लगा लो।
उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? हाँ 15, मतलब मिड पॉइंट जिसका 15 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? देख लो, यहाँ देख लो भाई ना, 15 वाले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5, क्योंकि 15 मिड पॉइंट तो 10 टू 20 का क्लास इंटरवल है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो अब आप 5 पर बिंदी लगा लो, ये लो, फिर 25 मिड पॉइंट किसका होगा? इसका 12, तो आप 12 पर बिंदी लगा लो। तो इस तरह सारी बिंदियां आगे की बताते रहो। 12 के बाद अगली बिंदी क्या? 15, 15 के बाद अगली बिंदी क्या? 22 के बाद अगली बिंदी क्या? 14 के बाद अगली बिंदी क्या? 4, और लास्ट वाले की मतलब 75 की 0, 0 मतलब वो नीचे आ जाएगा, नीचे टच हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई सब बच्चों को बिंदियाँ? अब आपको क्या करना है, इन बिंदियों को बस जोड़ना है। तो इस बार हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, बिना हिस्टोग्राम के ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गए। तो आप इन बिंदियों को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। अब है जी नंबर 4, नंबर 4 का नाम है फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसे बोलते हैं स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसमें आप पहले एक छोटी सी बात लिख लो, फिर एक बार समझ आ जाएगा एग्जांपल से ही। तो इसमें लिख लेना, इट इज लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओनली बट नॉट स्ट्रेट लाइन्स। इसमें आपको स्केल से नहीं जोड़नी होती बिंदियाँ, ये एक फ्री हैंड कर्व है, राइट? ये फ्री हैंड कर्व है, तो यहाँ पे बिंदी से बिंदी जब हम जोड़ेंगे तो स्केल का उपयोग नहीं करना। हाँ, बस आपको अपने हाथों की जो लहरें हैं उन्हीं से बिंदियों को जोड़ना है, फ्री हैंड। हाँ, तो अब लिखो एग्जाम्पल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल में लिख लो जी 0 to 50, 4, 50 to 100, 9, 100 to 150, 15, 150 to 200, 11, और 200 to 250, 3। चलो सॉल्यूशन जल्दी से बनाएं। तो इसमें बनाओ सॉल्यूशन डायग्राम। तो एक्स एक्सिस पर क्या, क्लास इंटरवल कुछ नहीं दिया, तो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, वो कितने कितने मार्क करोगे? 3, 6, 9, 12, 15। चलो, तो इसमें भी
आप अगर हिस्टोग्राम बनाओगे तो सीधा क्लास इंटरवल को यूज़ कर सकते हो, और अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाओगे तो फिर क्या यूज़ कर सकते हो? मिड पॉइंट्स। तो अगर हम सीधा इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। आओ तो 0 to 50 की बिल्डिंग कितनी बड़ी है? 4। तो बना लो 4 तक, फिर 50 to 100 की 9, उसके बाद अगली बिल्डिंग कितनी बड़ी? 15। उसके बाद अगली बिल्डिंग कितनी बड़ी? 11। उसके बाद अगली बिल्डिंग कितनी बड़ी? 11 के बाद 3। अब क्या करना पड़ेगा जी? बिल्डिंगें बना ली, अब नेक्स्ट मिड पॉइंट। तो पहला मिड पॉइंट कहाँ? मतलब 25 वाली बिल्डिंग के बीच में। दूसरा मिड पॉइंट, तीसरा मिड पॉइंट, चौथा, पांचवा, ओके, और छठा 300। छठा, छठी बिंदी कहाँ बनेगी? 300 मान लो यहाँ हो गया, 275। तो अब इन्हें बिंदियों को कैसे स्केल से जोड़ोगे? फ्री हैंड। तो फ्री हैंड जोड़ दीजिए, तो ये फ्री हैंड कर्व है। तो ये हमने बना लिया विद हिस्टोग्राम। तो आप इसी को भी विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हो, मतलब वो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपको क्या करना है फिर मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो क्लियर हो गए सब बच्चों को? तो समझ आया कैसे करना है खेल? चलो, तो ये बेसिकली हो गए वो तरीके जिनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो आप, या लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हो, और अगर स्केल से खींचने की बजाय फ्री हैंड खींच लोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको बोलते हैं स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है बच्चों के कटने दो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।